देखिए, ब्रह्मास्त्र की 30 सेकंड की एक वीडियो है जहाँ पर सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है। आलिया भट्ट के बारे में बताया गया है, रणवीर के बारे में, अमिताभ बच्चन के बारे में, मौनी रॉय के बारे में, अपने फेवरेट नागार्जुन मामा मास के बारे में, लेकिन एक सितारे को अभी भी हिडन रखा जा रहा है। नहीं बात की जा रही उनके बारे में, क्यों बात नहीं की जा रही, चलिए जानते हैं। देखिए, इस वक्त आपको पता है लोग काफी ज्यादा नाराज हैं बॉलीवुड के 4-5 सितारों से, जिनमें सबसे पहले नाम आ रहा है आमिर खान का, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा बिल्कुल कॉपी दे दी है। उसके बाद सलमान खान का, क्योंकि भाई कंटेंट नजर ही नहीं आ रहा उनकी फिल्मों में, स्टारडम के दम पे चला दे रहे हैं भाई फिल्मों को दबा के। और अगला जो नाम है वो अक्षय कुमार और शाहरुख खान। अक्षय कुमार का रीजन आप लोगों को पता ही होगा कि भाई क्या कर रहे हो आप, गुटखा बेच रहे हो, जिसके चलते लोग खराब बोल रहे हैं उनको, फिल्में तो अब भी ठीक करें। अगला नाम जो आ रहा है वो है शाहरुख खान का। एक तो गुटखा के चक्कर में फंस गए, एक उनका बेटा फंस गया वहाँ पे, और अगली चीज भाई उनकी भी फिल्में इतनी खास चल नहीं रही। तो ब्रह्मास्त्र के मेकर्स ने सोच लिया कि भाई हम इनका नाम देंगे ही नहीं। बिल्कुल करेक्ट समझ रहे आप, ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान भी हैं, जो कि रणवीर कपूर के पापा का कैरेक्टर करने वाले हैं और जो कि इस फिल्म में एक डॉक्टर हैं। 8 से 10-15 मिनट का इनका होने वाला है रोल, लेकिन इसके बारे में वो बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहे हैं। भाई उनको पता है अगर बात की, लोगों को पता चला शाहरुख खान है, तो लोग वही बायकॉट 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 वाली चीज़ों को लेकर चल पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्रह्मास्त्र के बारे में जितना पढ़ा है, जितना सुनने में आ रहा है, फिल्म काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। रणवीर सिंह के पास पावर वावर नज़र आ रही है कि भाई आग वाग फेंक दे रहे हैं, तीर वीर चला दे रहे हैं, और अमिताभ बच्चन का वो रस्टी सा लुक, ऊपर से नागार्जुन और जवान दिख रहे हैं। यार कोई आदमी इतना ज़्यादा जवान कैसे हो सकता है भाई। और मौनी रॉय को थोड़ा सा ऐसा ना अगेंस्ट दिखा रखा, थोड़ा विच वाला वैम्प वाला कैरेक्टर सा दे रखा है, लेकिन देखते हैं मूवी में क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। अगर आप सोच रहे हो कि इस जो छोटा सा ग्लिम दिखाया है उसमें शाहरुख खान का है, तो उसमें भी है त्रिशूल हाथ में लिए। नागार्जुन के बाद उन्हीं का इंट्रोडक्शन है, लेकिन नाम नीचे नहीं लिखा और पीठ दिखाई है, लेकिन आप वॉक से समझ जाओगे कि भैया ये तो शाहरुख खान ही है। बाकी सही स्ट्रेटेजी है दोस्तों। बाकी 15 जून को ट्रेलर आ जा रहा है, देख के बता देंगे क्या सही है क्या गलत है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। बाकी आप सभी को अलविदा।